चैनल एके ब्लॉग। 6:30 हो चुके हैं तो बाकी भाई लोग सब रेडी हो चुके हैं हम बरमानी देवी के लिए। सामान वगैरह बिखरा पड़ा अभी, अब क्लियर है आज तो वगैरह निकली हुई आज क्लियर। अभी सारा सामान वगैरह हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे, देख के फिर आगे ट्रैक करेंगे। मनी भी अच्छा है कि मौसम वगैरह सब क्लियर है तो बाकी आगे ऊपर आइडिया नहीं है कैसा है बाकी यार नीचे। तो चलो मिलते हैं फिर आपको मंडी में, खड़ी चढ़ाई है तो। तेरी माया फिर बन जाएंगे ऐसे ही, बरखा फिर शाम तक होना जाए। बाकी सब बढ़िया नज़ारे देखते जा रहे हैं, रास्ता देखो कैसे है यहाँ का, पूरी चढ़ाई है जी। मान लीजिए अभी बाइक वगैरह लगा दी है तो लंगर वगैरह का देखो कितने लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी मौसम देखो सुबह का कितना नज़ारे खूबसूरत लग रहा, पागल कैसे बनने शुरू हो गए। वैसे तो क्लियर है थोड़े देर तक निकले हुए हैं। जय हो जय हो जय हो भक्तो जय हो। यारे देखो चलो भक्तो चलो, ये रहने की जगह यहाँ पे भी है, ये लंगर वगैरह लगे हुए हैं बरमानी देवी पे भी। तो ऊपर हमने जाना भी, जय बोले चाय ये कुंड है, यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, पानी वगैरह बहुत ठंडा है तो ये डुबकी लगती है बस। बरमानी देवी का यहाँ पे वगैरह दर्शन करते हैं तो चलते हैं आगे। तो आज आराम से दर्शन हो रहे हैं, अच्छे से हो चुके हैं, अब करेंगे लंगर वगैरह खाएंगे। ये शॉप लगी हुई है आप देखो काफ़ी यहाँ पे। बाइक का हाँ 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 जय 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 लो उतरा है नीचे, पूरा रास्ता और रोडिंग बना रखा है। पार्सल के लिए टैक्सी ढूंढ रहे हैं, टैक्सी वगैरह तो नहीं मिल रही क्योंकि अभी कहते रोड बंद है तो पैदल बंद है, शायद वहीं पे जाना पड़ेगा आगे। तो यहाँ से ब्रह्मोर से निकल रहे हम, बाकी लगे वगैरह ले लिया, रास्ता बंद है कह रहे तो इसकी वजह से आपको एक चेक पोस्ट आ गई है तो वहाँ पे आपको टैक्सी अवेलेबल हो सकती है, वो जाके बैठ सकते हैं। रास्ता ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रखी है, गाड़ी आगे रास्ता भी बंद है तो देखते हैं। बाकी लोग तो बैठ गए टैक्सी में, छोटा हुआ है तो उसकी वजह से पहले उतार देते हैं वहाँ से, पहले आगे से अगली टैक्सी वहाँ से लेनी पड़ेगी। रास्ता देखो काफ़ी ख़राब हो रखी है, मर्जी है कैसे लेके जाएंगे। भाई बैठा है तो वो कह रहा है कि पहले कल बंद हो चुका था रास्ता, अब दोबारा से ओपन किया है। नज़ारे देखो चलो, यहाँ पे जो पुल वगैरह ख़राब है उसकी वजह से पहले उतार रहे हैं तो आगे अब यहाँ से ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम नया टैक्सी वाले हायर करेंगे तो यहीं पे उतार के आपको। ज़्यादा ख़राब है इस बार तो चलते हैं आगे, काफ़ी ट्रैफिक है इस बार, काफ़ी होच पोच हो रखा है काम, जैसे पहले 3 बार मैंने किया तो इतना होच पोच नहीं था। देखो यहाँ तक दूर तक देखो टैक्सी खड़ी है सब, इतनी दूर दूर तक जाना पड़ेगा आगे, वहीं से टैक्सी हायर करनी। ब्रिज जो टूटा हुआ है अभी पैदल के लिए दे रहे हैं, रास्ता ओपन किया है, यात्रियों को रोक दिया है तो अभी साफ वगैरह कर रहे हैं क्लीन, तो राइट ओपन होगा तो फिर से छोड़ेंगे जाने के लिए। रास्ता भी ओपन किया है, सिंगल लाइन में बोल रहे हैं, एक लाइन में
12:46 हुए हैं अभी, तो हाफ एन आवर लगा मैं यहाँ पे रुका हुआ, उन्होंने टाइम लगा ओपन करने के लिए। शूज़ वगैरह उतारने पड़ेंगे, काफ़ी गीला हो रखा है रास्ते से। रह गए मेरे, एक तो आगे था वो निकल गया होगा, मैं बीच में था तो वही अब रास्ता बंद कर दिया उन्होंने फिर से, फिर वेट करनी पड़ेगी। तो कितना तेज है देखो पानी का, ये रास्ता है, ये तो पहले बस जाती थी यहाँ से, अब ये हाल है यहाँ का। रास्ता देखो आप, फौज हो गया है। चलो भाई चलो चलो, चल लिया है। बाकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पूरे पैर चिक्कड़ में हो चुके हैं, खराब मिट्टी वगैरह लगी थी। तो अभी बाकी बंदे भी आ गए हैं, तो अब देखते हैं आगे टैक्सी कहाँ मिलती है, हम हायर करते हैं वहाँ से फिर आगे की तरफ। हर हर महादेव। तो अब तो अभी यहाँ से करें हम यात्रा स्टार्ट। इस बार लंगर पीछे काफ़ी कम लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद रोड के कारण, रोड ख़राब है इसलिए सामान आना जाना मुश्किल हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। तो बाकी ये है स्टार्टिंग, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। हर हर महादेव, जय शंभू। ये जर्नी होगी स्टार्ट हमारी यात्रा, तो बोले ना कृपा करना। दर्शन कराते हैं आगे, जर्नी कर ली हमने स्टार्ट, यात्रा हमारी हमारे साथ। चलो भक्तो करते हैं यात्रा शुरू, बोली का नाम लेके भोलेनाथ कृपा करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, जय बोले, जय बोले। बेसन की बर्फी, मीठा भी अच्छा रहता है, एनर्जी मिलती है इससे। ठीक है जी, वो सामने ऊपर रास्ता ऐसे से हमने जाना है दंशो, यहाँ से पहला स्टॉपिक जो मेन है दंशो, नीचे से भी ज़्यादा रास्ता है, ये ऊपर से जा रहे हैं। लास्ट ईयर नीचे से गए थे, इस बार ये वाले रास्ते से जा रहे हैं, दो बार इसी रास्ते से गया हूँ मैं। तो पानी के साथ बहाव देखो, बाकी बोले की नाम लेके चलते जा रहे हैं, यात्रा हमने स्टार्ट की है। ठीक है जी, कितने भाई वहाँ पर पहुँचे हम। ठीक है जी, भक्तजन हमारे साथी, दंशो वाला जो ब्रिज है वो पुल है वो क्रॉस करने वाले हैं, थोड़ा ट्रैफिक है बॉर्डर की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा रश है। तो वहीं पे आगे थोड़ा वीडियो करूँगा, यहाँ पे ठीक करूँगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो ना ये रश कितना है यहाँ पे, रश है और बाकी का भी। ये मौसम देखो कितना खूबसूरत है, बादल फिर से होने वाले हैं, रेनकोट उतार दिया हमने। ये देखो नज़ारे, पानी का बहाव, ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, सिंगल सिंगल जा रहे हैं, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। पहले तो डबल था ना जाना, एक और ही टूट गया है ना, वहाँ पे भी था एक पहले, वो टूट गया लगता है, तो सिंगल रखे उसकी वजह से रश ज़्यादा हो गया है। पानी का बहाव देखो, रश कितना है ऊपर। दंशो का ब्रिज क्रॉस किया है, अपने बंदे का वेट कर रहा हूँ, पीछे है एक आ रहा है, एक उससे पीछे, एक मेरे साथ है ये। बाकी और मौसम देखो कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा मिस मैंने जो रखा है, पहले यहाँ पे दो पुल थे तो इजी बंदा आ जा सकता था, अब सिंगल के कारण थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ गई है वहाँ पर। यहाँ से दंशो आई थिंक तो टाइम लगेगा यहाँ से दंशो के लिए, 4:30 पहुँचेंगे दंशो, बाकी अभी 2-3 घंटे और चलेंगे, जितना हो सके आज उतना कवर करेंगे हम। गिर गए पूरे पहाड़ों में, पूरा देखो नज़ारे, अल्टीमेट। अब दंशो क्रॉस कर लिया हमने,
ठीक है जी, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे बंदे आ गए हमारे, पीछे बंदे आ गए हैं, बाकी जो दोस्त हैं उनको खाना खुना खा रहे हैं पीछे, तो हम चलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आगे कहीं दिन रुकेंगे मिलने, मेरा ना हो बाकी बढ़िया है। लंचो 0 किलोमीटर, हर सर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आए हम। कैसा बदल गया है, पानी देखो, बहाव देखो, मौसम ही बदल गया है, पूरा फोग हो रखा है। तो चल रहे हैं, 7 बज चुके हैं, बंदे हमारे थोड़े स्लो हैं क्योंकि पहली बार आ रखे हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, कोई नहीं, चलते जाएंगे अभी मुंदासी, आज देखते हैं पहुँचते कितने बजे, 7 बज चुके हैं, 2-3 घंटे में पहुँच जाएँ तो अच्छा है मुंदासी, तो वहीं रुकेंगे। मौसम अब देखो, फोग पूरा हो चुका है, मौसम बदल गया, बरखा ना आए, तो पहुँच जाए आराम से जी, ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, उदास ही पहुँच जाएंगे। तो अभी रास्ते में है, फॉग एकदम हो रखी है, मौसम देखो आपको, ये रास्ता है देखो, भाई लोग जा रहे हैं यात्रीगण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो धुंध कैसे आ रही है, बढ़ती जा रही है, पीछे हैं भाई लोग, जय शंकर, तो उनकी वेट साथ साथ लेके जा रहे हैं उनको, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं तो थोड़ा सा थकावट भी है, देखिए रास्ते सुबह वहाँ से दर्शन करेंगे, आगे रास्ते में ऊपर लाइट है आप देख सकते हो, तो वहीं उसी से थोड़ी रोशनी बड़ी हुई है, ये देखो, तो हाँ देखो अब थकावट पूरी हो चुकी है, नींद आ रही है अब, तो अभी एल्टीट्यूड होगा 4000 मीटर होगा, तो बाकी बंदों की वेट कर रहे हैं अभी, 20 और 50 मिनट है अभी, तो और लेट करना मुझे, आओ तो लेट है, ये हमारे त्रिशूल शिव शंकर के, बाकी थकावट पूरी हो रखी है, तो बस हो चुकी है, अभी सुंदरासी की वेट कर रहे हैं, सुंदरासी आए तो टेंट वगैरह लें और रेस्ट करें वहाँ पे, बाकी अंधेरा हो रखा है, व्लॉग तो ऐसे ही बन रहा है। सुंदरासी पहुंच चुके हैं, टेंट वगैरह ले लिया रेस्ट करने के लिए, तो 11:30 हो चुके हैं, बाकी थकावट बहुत हो रखी है, नींद आ रही है, मैगी खाएंगे और सोएंगे। ओम नमः शिवाय।